ये छमिया और अंदर जाके नजर उतार लेना, नहीं तो शंकर की नजर लग जाएगी। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले डबल स्मार्ट शंकर मूवी की दो दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, वेदा मूवी की दो दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही बात करेंगे स्त्री टू मूवी की दो दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और खेल खेल में मूवी की भी दो दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले, और इन चारों मूवी में से कौन सी मूवी बाजी मार चुकी है और कौन सी मूवी रह चुकी है पीछे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डबल स्मार्ट शंकर मूवी के बारे में। इस मूवी को रिलीज हुए आज दो दिन हो चुकी है, लेकिन देखा जाए तो ये मूवी पहले दिन पर एक ठीक ठाक रिस्पॉन्स देखने को मिली। अब देखते हैं ये मूवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना पाती है। जहाँ डबल स्मार्ट शंकर मूवी किसी को पसंद आ रही है तो किसी को पसंद नहीं आ रही है। लोगों की तरफ से इस मूवी के लिए मिक्स रिव्यू निकल के आ रहे हैं। देखते हैं ये मूवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर पाती है। देखा जाए तो इस मूवी ने पहले दिन पर तो एक डिसेंट ओपनिंग ले चुकी है, लेकिन देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर पाती है। और आज के दिन पर तो इस मूवी की कलेक्शन में एक ड्रॉप देखने को मिल रही है। आज आ चुकी है वर्किंग डे, और वर्किंग डे होने की वजह से इस मूवी के कलेक्शन में हल्की सी ड्रॉप देखने को मिल रही है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन कल के दिन पर कितने करोड़ की निकल के आती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है। आप लोगों को क्या लगता है और ये मूवी फर्स्ट वीकेंड में कितने करोड़ की कमाई कर लेगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों ने डबल स्मार्ट शंकर मूवी को देख लिया है तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट की। तो इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले राम पोथिन, काव्या थापर और संजय दत्त देखने को मिलने वाले इस मूवी में। और इस मूवी को तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा के साथ इस मूवी को हिंदी में भी रिलीज किया गया है पैन इंडिया लेवल पर। लेकिन देखा जाए तो इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने के बाद भी कोई खास रिस्पांस तो देखने को नहीं मिली, कलेक्शन के मामले में एक डिसेंट रही। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचा पाती है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी की पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी की पहले दिन की कलेक्शन निकल कर आ चुकी है और इस मूवी ने पहले दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 7 करोड़ 50 लाख, और पहले दिन पर इस मूवी ने इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 8 करोड़ 80 लाख के आसपास, और इस मूवी ने पहले दिन पर ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया 2 करोड़ के आसपास, और इस मूवी ने पहले दिन पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है लगभग 10 करोड़ के आसपास। कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की, तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 5 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है। आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है। आज वेदा मूवी को भी रिलीज हुए दो दिन हो चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो इस मूवी की कलेक्शन एक रिसेंट निकल के आ रही है। अब देखते हैं ये मूवी आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर पाती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना पाती है। और इस मूवी की कलेक्शन की बात करें तो थोड़ी सी इस मूवी की कलेक्शन में एक जंप देखने को मिली है, थोड़ी सी उम्मीदों से ज्यादा की कलेक्शन कर रही है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन और कहां तक जा पाती है। पब्लिक की तरफ से इस मूवी को मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं, किसी को ये मूवी पसंद आ रही है तो किसी को ये मूवी पसंद नहीं आ रही है। लेकिन देखा जाए तो मूवी अच्छी होने की वजह से इस मूवी की कलेक्शन हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इस मूवी के कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिले और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट भी हो जाए। आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया है तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट की। तो इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले जॉन अब्राहम और तमन्ना भाटिया देखने को मिलने वाली है, और इस मूवी का बजट लगभग 55 करोड़ के आसपास है, और इस मूवी को लगभग 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है सिनेमाघरों में वर्ल्ड वाइड। आज इस मूवी को रिलीज हुए दो दिन हो चुके हैं, और इस मूवी की कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी की कलेक्शन अभी भी डिसेंट निकल के आ रही है और पहले दिन पर भी एक डिसेंट ओपनिंग ले चुकी थी। आज आ चुकी है वर्किंग डे, और वर्किंग डे आने की वजह से इस मूवी की कलेक्शन में एक ड्रॉप देखने को मिल रही है, जो कि देखने वाली बात होगी आज के दिन पर कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाती है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी की पहले दिन के कलेक्शन के बारे में। बात कर लेते हैं इस मूवी ने पहले दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 6 करोड़ 52 लाख, और इस मूवी ने पहले दिन पर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था 7 करोड़, और इस मूवी ने पहले दिन पर ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया था 1 करोड़ 50 लाख के आसपास, और इस मूवी ने पहले दिन पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है लगभग 8 करोड़ के आसपास। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के दूसरे दिन की कलेक्शन की, आज की कलेक्शन की। तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर ये मूवी लगभग 3 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है। आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है, और आप लोगों ने वेदा मूवी को देख लिया तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
स्त्री 2 मूवी को भी आज रिलीज हुए 2 दिन हो चुकी है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों से कहीं ज्यादा की कलेक्शन कर चुकी है और ये मूवी बॉलीवुड की तरफ से देखा जाए तो एक बड़ी ओपनिंग लेने वाली मूवी बन चुकी है अभी तक की। और जितनी भी अभी बॉलीवुड में मूवी आ रही है देखा जाए तो ये एक डिसेंट ओपनिंग लेती है, लेकिन इस मूवी ने उम्मीदों से कहीं ज्यादा की ओपनिंग ले चुकी है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग लेने के साथ साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 2024 की बॉलीवुड की तरफ से एक बड़ी ओपनिंग लेने वाली मूवी बन चुकी है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन और कहां तक जा पाती है और ये मूवी लाइफ टाइम कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाएगी, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग स्त्री 2 मूवी को देख लिया तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी, देखा जाए तो पब्लिक की तरफ से इस मूवी को अच्छी खासी रिस्पॉन्स देखने को मिल रही है और ये मूवी पब्लिक को पसंद आ रही है। ऐसे में लग रहा है कि इस मूवी ने जिस तरीके से पहले दिन पर ओपनिंग डे पर अच्छी कलेक्शन कर चुकी है उस हिसाब से लग रहा है कि ये मूवी 300 से 400 करोड़ की आसानी से लाइफ टाइम कलेक्शन कर लेगी। देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन लाइफ टाइम कितने करोड़ की निकल के आती है और आप लोगों को क्या लगता है ये मूवी लाइफ टाइम कितने करोड़ की कलेक्शन कर सकती है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी देखने को मिलने वाले इस मूवी में। और इस मूवी ने जो रिस्पॉन्स दिखाया कलेक्शन के मामले में जो कि पूरी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ रही और ये मूवी आज के दिन पर हल्की सी ड्रॉप देखने को मिल रही है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन में आज के दिन पर कितनी बड़ी ड्रॉप देखने को मिलती है और आज के दिन पर ये मूवी कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाएगी और ये मूवी फर्स्ट वीकेंड में कितने करोड़ की कलेक्शन कर सकती है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी के कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं इस मूवी और स्त्री 2 मूवी ने प्री रिलीज बिजनेस से 8 करोड़ 35 लाख की कलेक्शन कर चुकी है और इस मूवी ने पहले दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 46 करोड़ जो कि उम्मीदों से कहीं ज्यादा की निकल के आ चुकी है, जो कि अभी तक की देखा जाए तो बॉलीवुड की तरफ से सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली मूवी बन चुकी है जो कि पहले दिन पर 46 करोड़ की ओपनिंग ले चुकी है। और इस मूवी ने प्री रिलीज बिजनेस और पहले दिन की कलेक्शन को जोड़ दिया जाए तो इस मूवी ने पहले दिन पर टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 54 करोड़ 35 लाख। और इस मूवी की दूसरे दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 25 करोड़ के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है, आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और जरूर बताइएगा आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी। अब खेल खेल मूवी की भी 2 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी ने एक डिसेंट ओपनिंग ले चुकी है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन देखा जाए तो इस मूवी को पब्लिक की तरफ से अच्छी रिस्पांस देखने को मिल रही है और पब्लिक को ये मूवी पसंद आ रही है और इस मूवी को देखा जाए तो एक डिसेंट ओपनिंग ले चुकी है, लेकिन देखने वाली बात होगी ये मूवी आगे आने वाले दिनों में कितने करोड़ की कमाई कर पाती है और ये मूवी पब्लिक को पसंद आ रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये मूवी आगे आने वाले दिनों में अच्छी कलेक्शन कर सकती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आसानी से सुपर हिट भी हो सकती है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन आगे आने वाले दिनों में कितने करोड़ की निकल के आती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना सकती है आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जहां इस मूवी को वैसे तो पब्लिक को देखा जाए तो पसंद आ रही है ये मूवी, ऐसे में लग रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आगे आने वाले दिनों में अच्छी कलेक्शन कर सकती है, लेकिन इस मूवी ने पहले दिन पर एक उम्मीदों से कहीं कम कलेक्शन कर चुकी है, लेकिन देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन और कहां तक जा पाती है और ये मूवी लाइफ टाइम कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाती है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट की, इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार, एमी विर्क और भी बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिलने वाली इस मूवी में। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में तो इस मूवी ने जो कलेक्शन करके दिखाया पहले दिन पर एक डिसेंट रही पहले दिन पर, लेकिन देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन इस वीकेंड में कितने करोड़ की निकल के आती है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या रिकॉर्ड बना पाती है। और आप लोगों ने खेल खेल में मूवी को देख लिया है तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इस मूवी ने पहले दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 5 करोड़ और इस मूवी ने पहले दिन पर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था 6 करोड़ 50 लाख और इस मूवी ने पहले दिन पर ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया था लगभग 1 करोड़ के आसपास और इस मूवी ने पहले दिन पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है लगभग 9 करोड़ के आसपास। दूसरे दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से आज के दिन पर एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 3 करोड़ 50 लाख के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है, आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और इन चारों मूवी में से कौन सी मूवी आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में।